नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा एक बार फिर प्रस्तुत हूं खास खबर के साथ। विकास के नाम पर बदला लेने की राजनीति का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। ये कोई अन्य नहीं बल्कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने उस योजना को दूषित बता दिया है जिस योजना के नाम पर रीवा को बदलापुर बनाया जा रहा था। पुराने रीवा को नष्ट कर नया शहर बनाने की योजना पर राज्य सरकार ने पानी फेर दिया है और पूरी साजिश का पर्दाफाश करते हुए उस योजना का प्रस्ताव पुनः मांगा है। दरअसल मास्टर प्लान 2035 में कई ग्राम पंचायतों को शहर में शामिल करने की योजना थी और उन पुराने शहरों के सड़कों को चौड़ीकरण किया जाना था, जहां आज भी शहर का ज्यादा व्यापार हो रहा है। इसके पीछे स्थानीय नेताओं ने साजिश रची थी, लेकिन जैसे ये मामला विराट 24 न्यूज के सामने आया तो प्रमुखता से इस मामले को उठाया गया, जिसके पुनः प्रकाशन का निर्देश राज्य सरकार ने दे दिया है। पुराने शहर को उजाड़ कर रीवा विकास पुरुष के नया समदड़िया नगर बनाने की इच्छा पर राज्य सरकार ने पानी फेर दिया है। राज्य सरकार ने नगर तथा ग्राम निवेश योजना प्रारूप 2035 को दूषित माना है और विकास योजना के प्रारूप को पुनः प्रकाशित करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि साजिश के तहत बिना समाचार पत्रों में प्रकाशन किए ही इस योजना का प्रस्ताव भेजा गया था। मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियमों की प्रावधानों की पूर्ति न होने के चलते प्रक्रिया को दूषित माना गया है। आपको बता दें कि इस खबर को विराट 24 न्यूज ने पहले ही रीवा बना बदलापुर के नाम से प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि शहर के पुराने वार्डों को चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ा जाएगा और स्थानीय निवासियों को मजबूर किया जाएगा कि नया शहर जिसका निर्माण समदड़िया कर रहा है वहां फ्लैट दुकान खरीदने के लिए लोग मजबूर हो जाए। खासकर फोर्ट रोड, सराफा मार्केट, वेंकट रोड, घोंघर सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर हटाकर समदड़िया गोल्ड में भी स्थापित करने की योजना थी, जिसका खुलासा विराट 24 के द्वारा किया गया था। खबर की सच्चाई क्या थी ये राज्य सरकार ने सिद्ध कर दिया है। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी किया है कि योजना दूषित थी। रीवा नगर निगम के द्वारा विकास योजना 2035 का विरोध किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा के द्वारा किया गया था, जिनके द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया था कि शहर तो दिख ही गया है, ग्राम पंचायतों को बचाया जाए। इसके साथ ही मांग की गई थी कि ग्रामीणों को सुझाव एवं आपत्ति देने की तिथि को भी बढ़ाया जाए। गांव के सभी किसानों को रीवा विकास योजना 2035 के सूचना एवं प्रारूप में दी गई जानकारी एवं नक्शे को देखने के लिए उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसान समझ सकें कि कृषि भूमि का उपयोग किस उपयोग में किया जाएगा। कृषि भूमि के खसरों में भूमि का उपयोग नक्शे में क्या दर्ज है? वेबसाइट में दी गई प्रारूप की जानकारी के अनुसार 14,483 हेक्टेयर कृषि भूमि का उपयोग विकास योजना 2035 में निर्धारित किया गया था। मास्टर प्लान की जानकारी प्रशासन को न देने के चलते विकास योजना संदेह के दायरे में आ गई थी, जिसका विरोध किया गया। इस विरोध को विराट 24 ने प्रमुखता से दिखाया और उसका असर ये हुआ कि राज्य सरकार ने उक्त योजना को दूषित मान लिया है। आपको बता दें कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जुड़े अधिकारियों ने मैदानी स्तर पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया। अपने चहेते नेताओं के घर में बैठकर प्लानिंग की गई और चहेतों को ही लाभ देने के लिए उक्त योजना का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। शहर की नदियों की चौड़ाई घटाई जा रही है, जबकि राजनीतिक बदला लेने के लिए पुराने शहर जहां से वर्तमान विधायक को वोट नहीं मिले उनको चौड़ीकरण के नाम पर हटाने की साजिश रची गई। आरोप लगाने वाले, इस मास्टर प्लान का विरोध करने वाले सुब्रत मणि त्रिपाठी ने विराट 24 की खबर की सराहना करते हुए साधुवाद दिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है और किस तरह से किसानों और शहरवासियों के साथ धोखा करने की बात कही है। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे लगातार मास्टर प्लान का विरोध करने वाले निवर्तमान पार्षद विनोद शर्मा को, जिन्होंने अपने ही अंदाज में रीवा के विकास पुरुष कहे जाने वाले विधायक राजेंद्र शुक्ला और समदड़िया को आड़े हाथों लिया है। तो भाई, ये रीवा विकास योजना 2035 आई थी, जिसमें कुछ आपने आपत्तियां लगाई थी,
उसमें आपकी आपत्तियां सही मानी गई और उसको निरस्त करके पुनः प्रकाशन के लिए कहा है, क्या मानते हैं किस तरह की योजना थी, किसको लाभ देना था और अभी आगे क्या हो गया? अब इसमें ये हर साल मान लीजिए बनती हैं, शहर की विकास योजनाएं बनती हैं, वही रीवा विकास योजना 2035 का प्रारूप बनाया गया था। इससे पहले जितनी भी विकास योजनाएं बनी किसी को सूचित नहीं किया जाता था, बस मनमानी ढंग से हमारे यहाँ के राजनेता जो चाहते थे वो योजना बना देते थे। पिछले माने 2021 में अक्टूबर महीने में ये था कि योजना का प्रारूप प्रकाशित हो समाचार पत्रों में, दो समाचार पत्रों में, उसके बाद 30 दिन की आपत्ति करने की एक महीने के टाइम दिया जाए और लोगों को सूचना दी जाए जिससे लोग आपत्ति कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ जिला प्रशासन नगर एवं ग्रामीण निवेश के यहाँ से सिर्फ समाचार पत्रों में एक पेपर में प्रकाशन कर दिया गया और कौन पढ़ता है सोचिए, वो भी कोविड का समय था, उस समय तो लोगों को जानकारी नहीं हुई, जबकि 48 गांव और 20 पंचायत को शामिल किया जाना था ये रीवा विकास योजना 2035 में, उनकी कृषि भूमियों को शामिल किया जाना था, उनका उपयोग बदलना था, खसरे में बतलाना चाहिए हर गांव में, हमने मांग की हर गांव में आप एक कैंप लगाई हर पंचायतों में, सबको पता होना चाहिए कि हमारी ज़मीनों के खसरे को रंग बिरंगा किस कलर में भर दिया गया है, उस कलर का मायने क्या है, कहीं पे उद्योग सोचिए लिख दिया गया, कहीं पे से रोडें निकाल दी गई जहां ज़रूरत नहीं थी, कितनी रोडें, इतनी रोडें और पता नहीं क्या क्या प्रस्तावित कर दिया गया, जहां उद्योग नहीं थे जहां कृषि थी वहां उद्योग कर दिया गया, जो मन में आया हमारे यहाँ। साजिश इसके पीछे क्या मनसा थी, कैसा लाभ, क्या पुराने शहर को उजाड़ना चाहते हैं, नदियों की चौड़ाई घटाई जा रही है, जहां तंग गलियां पुराना रीवा है उसको उजाड़ कर चौड़ा किया जाना था, ये किस तरह की साजिश थी? हम समझ में हमने तो हमेशा कहा, देखिए राजनेताओं के इशारों पर बनाया गया था रीवा का मास्टर प्लान, हमारे यहाँ के अधिकारी बस जितना उन्होंने कह दिया उतना उन्होंने कर दिया। आप सोच सकते हैं फोर्ट रोड 9 मीटर अभी उसकी चौड़ाई दी गई है कि 9 मीटर है, उसे 12 मीटर करेंगे, फोर्ट रोड को मान लीजिए 9 मीटर से 12 मीटर करेंगे, कितने घर उजड़ जाएगा। गल्ला मंडी रोड शहर की करीब करीब आप देख सकते हैं प्रारूप में इतनी रोडें हैं, सब में प्रस्तावित किया गया उनके चौड़ीकरण का, माने पूरे शहर को, पुराने शहर को पूरी तरह ख़त्म करके और लोगों का, आम जन का जीवन पूरी तरह से प्रभावित करके नई विकास योजना बनाई गई। किसी सरपंच को, किसी गांव के किसान को प्रारूप की जानकारी तक नहीं हुई, जबकि आप सोच सकते हैं जो समिति की कमेटी बनाई गई उसमें हमारे माननीय सांसद जी, हमारे रीवा के विधायक जी और हमारे यहाँ नगर निगम के आयुक्त जी, सभी लोग थे समिति में, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा। हर गांव में हमने मांग की थी, हम सोचिए कलेक्ट्रेट गए थे, कलेक्ट्रेट में हमें मालूम चला कि 30 अक्टूबर लास्ट डेट है माने इसमें सुझाव और आपत्ति देने की, हम उन 26 तारीख को कलेक्ट्रेट 25 तारीख को पहुंचे और 26 तारीख को हमने ज्ञापन दिया कि प्रारूप की पूरी जानकारियां पंचायतों में लगाई जाएं, किसानों को बतलाया जाए। सोचिए 48 गांव प्रभावित हो रहे हैं, 14,481 हेक्टेयर से अधिक जमीन किसानों के जमीनों को उपयोग बदला जा रहा है और उस किसान को मालूम नहीं है कि हमारे खसरे में क्या लिख दिया गया, हमारे खसरे में कौन सा रंग भर दिया गया। सोचिए हमारे जनप्रतिनिधि आखिर होते किस लिए हैं। आपने आवाज उठाई थी, मैंने इसको दिखाया था और उस समय हमने दिखाया था कि पुराने शहर को उजाड़ कर समदड़िया नगर बसाने की तैयारी की जा रही है, पुराने शहर में जो बसें हैं उनको हटाया जाएगा तो मजबूर होंगे वो बाहर ज़मीन खरीदने के लिए, वो बाहर ज़मीन किसके पास है, समदड़िया बिल्डर के पास, उसके फ्लैट लिए जाएंगे। तो क्या इस तरह का प्रशासन ने माना है और उसको निरस्त किया, क्या मानते हैं आप? हम तो ये मानते हैं, देखिए कोई भी इसमें लिखा था कि जो भी ज़मीनें अधिग्रहित की जाएंगी उन्हें प्राइवेट और पार्टनरशिप में डेवलप करने के लिए दी जाएंगी और किसानों से, देखिए किसानों के लिए योजना, कोई भी योजना शहर के विकास के लिए योजना बनाई जा रही है तो अच्छा विकास होना चाहिए, शहर को बर्बाद करके तो विकास नहीं किया जा सकता। आप सोच सकते हैं विकास योजना बनती गई, रीवा में विकास के नाम पर ढरूरे पीटते गए, हमारे यहाँ के विकास पुरुष से लेकर सब कहते गए कि हमने इतना विकास कर दिया, हमने इतना विकास कर दिया। आप सोच सकते हैं 104 गंदी बस्तियाँ हैं रीवा शहर में, हमारा ये नहीं है, इस प्रारूप में जो जानकारी दी गई है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो प्रारूप है उसमें आप देख सकते हैं 104 गंदी बस्तियाँ हो गई, 20 जल भराव वाले क्षेत्र हो गए, 45 रीवा के 45 वार्ड और 45 गांव को इस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्लान में शामिल किया गया था, हमारे किसानों को कोई जानकारी नहीं थी। आप सोच सकते हैं 26 तारीख को हमने एक चिट्ठी लिखी और उसके बाद फिर यहां पे आपत्तियां करीब करीब 100 से ऊपर आपत्तियां दी गई, यहां पे ये प्रस्तावित नक्शा, हम जाके कार्यालय में पता किया तो बोले कि आप नक्शा दीवार में लगा हुआ, सोचिए दीवार में हम नक्शा कैसे पढ़ सकते हैं, प्रारूप की कॉपी नहीं मिली, हमने सूचना के अधिकार के तहत लगाया, फिर ये प्रारूप वेबसाइट से निकाला, 230 पन्ने का प्रारूप पढ़ के हमने आपत्तियां की, क्योंकि आपत्ति करने की अंतिम तारीख 30 तारीख थी। लगातार आप सब भाइयों ने हमारे प्रेस और मीडिया
टीवी चैनलों ने बहुत अच्छे से इस मुद्दे को उठाया, और हम ये कहेंगे कि हमारे एक जनप्रतिनिधि, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अभय मिश्रा जी को भी हमने ज्ञापन दिया। अभय मिश्रा जी ने भी बाखूबी इस चीज़ को उठाया, और आज हमारे सब पत्रकार भाइयों के, आपके सबके बदौलत से मीडिया ने इस पीड़ा को समझा और उठाया, जिसके कारण आज यह सूचना आई है कि इस प्रारूप का पुनः प्रकाशन किया जाए, आपत्तियां और सुझाव मंगाए जाएं, उसके बाद 2035 जो विकास योजना है बनाई जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कृषि का रकबा लगातार घट रहा, आप देख रहे हैं हर जगह कृषि का रकबा पूरी तरह घट रहा, किसानों को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो सब अपनी ज़मीनें इधर उधर कर दें? क्या खेती करना गुनाह है? क्या शहर में अब खेती नहीं होनी चाहिए? शहर को कंक्रीट के जंगल मिलाकर विकास के नाम पर साजिश की जा रही थी, जो सच साबित हुई और पुनः उसका प्रस्ताव आया और आपकी जो आपत्तियाँ थी स्वीकार की गई। अब क्या इसमें तो कोई किसी प्रकार की साजिश नहीं होगी, किसानों को मौका मिलेगा आपत्ति दर्ज कराने? हम तो ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जो 20 पंचायतों को सरपंच को शामिल किया गया है, हर गांव में वो प्रारूप भेजा जाए। और हम आपसे एक चीज, आपके चैनल के माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, देखिए इनसेट से मानचित्र बनाया गया, इस प्रारूप में लिखा गया है कि इनसेट से देख के मानचित्र बनाया गया है, इनसेट से देख के नहीं, वास्तविकता में जमीन में देख के मानचित्र बनाए जाए, कहाँ पे घर बन चुके हैं, जहाँ से रोडें निकाल दी हैं, कितने घरों को तोड़ेंगे आप फिर अब रोड निकालेंगे, कहाँ पे कृषि भूमि है, आप सोच सकते हैं आवासीय उन भूमियों में लिख दिया, जहाँ स्मशान की भूमि थी वहाँ भी आवासीय कर दिया, तो ये कहाँ का न्याय है? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आपने इसमें लिखा है ग्राम एवं नगर ग्राम निवेश है, तो इसका नाम आप गाँव को बर्बाद करके शहरों में शामिल करने का ना बनाइए, गाँव के लिए अब मास्टर प्लान बनाए जाए, महानगर ना बनाइए, महानगर की होड़ में हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि रीवा को महानगर बनाएंगे, महानगर की जिंदगी बॉम्बे वालों से पूछिए, सुबह लोकल ट्रेन में टिफिन लेके बैठते हैं, रात को 12 बजे अपने वापस घर पहुँचते हैं, ना वो अपने बच्चों से मिल सकते, ना अपने घर के लोगों से बात कर सकते, फिर सुबह से नौकरी में चल देते हैं और पूरा जीवन अस्त व्यस्त होता है। शहर को अगर जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक गांव को हमारे उजड़ते रहेंगे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमारे गांव के लोग अपनी एकड़ों की जमीन बेच के यहां पे स्क्वायर फीट की जमीनों में घर बनाने के लिए मजबूर कब तक सरकार करती रहेगी? हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि गांव को मूलभूत सुविधाएं दे दीजिए, गांव का मास्टर प्लान बना दीजिए, शहरों को छोटे रहने दीजिए, नहीं शहरों से जाम धूल डस्ट से निजात आप कभी नहीं दिला सकते, और ऐसे में मानवता के लिए ये शर्मनाक विकास साबित हो। नगर विकास योजना बनाई गई थी 2035, उसमें पहले से भी हम अपनी आवाज़ उठाई थी कि यह गलत तरीके से बनाई जा रही है, राज्य सरकार ने उसको निरस्त कर दिया, गलत माना। तो किसके इशारे पर बनाई जा रही थी, क्या साजिश थी, क्या मानते हैं कि किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, जब नगर विकास योजना 2035 रीवा से बना करके मध्य प्रदेश सरकार को भेजी गई, उस समय भी आपको याद होगा कि हमने इसकी आवाज़ उठाई थी कि यह नगर विकास योजना रीवा का जो मॉडल है, जिसको हम रीवा को सुव्यवस्थित बनाने का जो ढांचा है, यह किसी न किसी बड़े नेता के इशारे से बन रही थी, जो कि पूर्णतः गलत थी और दूषित थी। आज जो आदेश आया है राज्य शासन का, साफ साफ लिखा है कि रीवा नगर विकास योजना 2035 यह दूषित योजना है। तो इसमें तो सब सर्वप्रथम दृष्टिया जो कि तत्कालीन कलेक्टर रहे हों, उनको रीवा की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और उनको पोल खोलनी चाहिए कि वो किसके इशारे से काम कर रहे थे। तब जा, ये कोई छोटी बात थोड़ी है, आपने एक 2035 तक का रीवा का मॉडल बनाना था और आपने ऐसी दूषित योजना बना दी। इन्हीं की सरकार है मध्य प्रदेश में और यही बता रहे हैं कि दूषित योजना, किसके इशारे से बना रहे थे? ये निश्चित तौर पर जब आप इसका पाएंगे तो रीवा का जो अभी तक विकास का ठेका ले रहे हैं, जो इसके भूखास पुरुष हैं, भाई हर योजना में तो वो ठेका लेते हैं कि मैंने ये काम किया, तो निश्चित कहीं ना कहीं ये जो दूषित योजना है ये भी उन्हीं के इशारे से बनी होगी। जब उनके इशारे से बनी होगी तो रीवा की जनता को बताएं, ये रीवा के विधायक हैं, रीवा की जनता के रखवाले हैं कि रीवा की जनता के इस प्रकार से योजना बना रहे हैं कि रीवा की जनता मर जाए या भाड़ में जाए या कहाँ चली जाए, वो ये चाहते हैं। देखिए, उसके मूल कारण ये है कि समदड़िया का कोई फ्लैट यहाँ बिक नहीं रहा, लोग महंगाई से त्राही त्राही किए हुए हैं। अब वो फ्लैट नहीं बिक रहा तो ये चाहते रहे थे फोर्ट रोड के लोगों की जमीन गिरा दी जाए, घर गिरा दिए जाएं, लोग बेघर हो जाएं। जब बेघर हो जाएंगे तो अंततः जाएंगे कहाँ? तो जाओ भाई समदड़िया नगर में चले जाओ, वहाँ खरीदो। तो इनकी जो मिक्सी योजना है, समदड़िया को बुलाए, समदड़िया के नाम पर ठेकेदारी किए और रीवा को उजाड़ो, फिर समदड़िया में बसाओ, तो ये रीवा नगर ना बसा के समदड़िया नगर तो हम पहले बोल रहे हैं बना लो भाई।
नदियों की चौड़ाई घटाई जा रही है। हाँ। जिनका 12 मीटर 18 मीटर था 9-10 मीटर की जा रही है। जो पुराना शहर है रीवा, तरहटी, पानन टोला, फोर्ट रोड, इनको चौड़ाकरण किया जा रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है? देखिए, इसके पीछे केवल एक साजिश है इनकी कि रीवा किसी प्रकार से इनकी ठेकेदारी चलती रहे, और ठेकेदारी चलने के लिए जो जो इनको करना पड़ेगा, पहले ये रतहरा से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की सड़क अनेकों बार बना चुके, एक बार, दो बार, तीन बार, अरे भाई कोई एक बार गलती होती, ये कम से कम 10 बार बना चुके। अब इनको कहाँ है बीचों को कर, भाई एक बार में कर दो ना, एक बार में आप कोई योजना का क्रियान्वयन कर दो। आपने योजना बनाते हो और सरकार ये कह देती है कि दूषित योजना है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जो तुम यहाँ से योजना बना के भेज रहे हो, तुम्हारी ही सरकार कह रही है, कोई दूसरे की सरकार नहीं है, कि यह दूषित, मतलब ये कूटरचित योजना है, ये साजिश है, ये रीवा की जनता के साथ षड्यंत्र हुआ था। इसके लिए राजेंद्र शुक्ला जी को सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए।